जी अस्सलाम वालेकुम जी, तमाम दोस्तों को उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब पे अपनी रहमत फरमाए, नेकी की तौफीक अता फरमाए, बदी से बचने की तौफीक अता फरमाए, नमाज कुरान माँ बाप की खिदमत की तौफीक अता फरमाए, यही दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। अल्लाह ताला तमाम आलम इस्लाम पे अपनी रहमत फरमाए, ख़ास तौर पर फ़लस्तीन और गज़ा के मज़लूम मुसलमान बहन भाइयों को आज़ादी की नेमत से मालामाल फरमाए। मेरा ईमान है कि जी दीन इस्लाम की होगी, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों कल जो एक वीडियो आई जिसमें उनका मौक़िफ़ था, तमाम खोखर बरादरान इकट्ठे थे, उनका मौक़िफ़ था कि जी मियां हामिद ने को बात की है। तो दोस्तों अगर कोई बात गलत करता है, मैंने आपको आगे भी बताया है, उसको आप समझाएं, ज़रूर समझाएं, आप इख्तलाफ़ राय ज़रूर करें, लेकिन अखलाकियात का दामन ना छोड़ें। अब कल जो बातें उस्ताद मलक मुंतज़र मेहंदी ने की हैं, ये इखलाक से गिरी हुई बातें हैं। तो सीधी सी दोस्तों साफ सी बात है, हम लोग शौकीन हैं और हमेशा से शो करते आ रहे हैं, और जिस वजह से बाजियां मलक मुंतज़र मेहंदी के साथ बराबर हुई हैं, उसकी वजह सिर्फ एक ही है, हम हमेशा से अवॉइड करते आ रहे थे, लेकिन बोधी बट्टी ने वाजिया तौर पे बताया था। सिर्फ एक ही चीज़ है कि जिसमें चेयरमैन साहब के साथ मलक मुंतज़र मेहंदी की बड़ी क्लोज, बड़ी नाजुक रिश्तेदारी है, जिस वजह से हम इस शौक से किनारा कशी हमेशा करते रहे हैं, जिसमें राणा साहब ने और मैंने बड़ी कोशिश की, बड़ी एफर्ट की और बाजियां ख़त्म की सिर्फ मलक मुंतज़र मेहंदी के साथ, और उसके बाद बाकी जो बाजियां थी वो मलक मुंतज़र के कहने पे बराबर की गई, जिसमें हाफज अमानुल्लाह हैं, उसके बाद मलक नबील खोखर है, कासम खोखर है, इनकी बाजियां बमा मुबशर खोखर, इन सब की बाजियां मलक मुंतज़र के कहने पे बराबर की गई, लेकिन मलक साहब हमेशा आपको अवॉइड करते आ रहे हैं। ये बिल्कुल भी आपकी बात गैर मुनासिब है, जो आपको जेब नहीं देती। आइंदा से आप जब भी कोई हमारी पार्टी का बंदा चैलेंज करे, उसमें आप नहीं है किसी सूरत भी, आपके साथ ना हम बाजी लगाएंगे ना लगाना चाहते हैं। बेहतर है कि आप भी इस चीज को थोड़ा सा समझें और इसको अच्छे तरीके से सोचें कि हम लोग किस वजह से आपको अवॉइड कर रहे हैं, अदरवाइज ये शौक है, उड़ना कबूतरों ने है, इंसानों ने नहीं उड़ना, सिर्फ अवॉइड करते हैं कि मसले खिलाफ गल्ला कर दे रहा है। 15 दिन बाद फिर तुहानू मैं वीडियो भाई भी आ रहा, वीडियो जरा गौर नाल सुनो, गौर नाल सुनी तुसीं क्या ओहो उन्हें तो सानू आख्या नहीं, उन्हें तो फलाने बंदे नूं कहा सी, ते गल ये कि हर गल तुसीं छाती चौड़ी कर लैंदे, ये भी मैं बशर ना किसी ने बाजी लानी मेरे तो लंघ के लाए, मेरी बशर ना लगी है, मैं तेरे नाल तां नहीं लाई, मुबशर नाल मेरी लग गई बाजी, मुबशर की दूसरी पार्टी नाल मैं इस तों पहलों दा उड़न डिया, कदी साडा कोई रौला नहीं पिया हैगा। लिहाजा गल ये कि अगर तुहानू इन्ना ही शौक है कि यार कोई बंदा मेरे नाल लावे या मेरे तो लंघ के जावे, हालांकि तेरी तो पार्टी भी नहीं हैगी, तेरे तो किवें लंघ के जावे, जो साडी पार्टी की गल आती उदो तुम कहना भी नहीं मैं चेयरमैन साहब ना बाजी नहीं लादा है। लिहाजा है कि अगर तेनू ये शौक है कि यार मेरे नालो मेनू ना लग के सारे ना लगन, तो फिर यार पार्टी एक करो, ऐ कि एक माझे वाले तो एक साझे वाले तो एक नथू वाले तो एक फत्तू वाले, इंज तो नहीं हुंदा, ये सारयां नू या अपने मगर बा ते या तू इन्हां दे मगर बह, सतादी शगिरदी इकट्ठी करो, इकट्ठी करके अपनी पार्टी बनाओ या एक पार्टी च चले जाओ, फिर पता होवे कि यार असीं अगर कोई बंदा मुबशर नू आवाज़ देण डिया है, वह भी मुंतज़र नू है, जिहड़ा भीले नू देगा वह भी मुंतज़र नू, जिहड़ा कासम नू देगा वह भी मुंतज़र नू है, इंज तां कोई गल ना होई, कोई किधर है कोई किधर है, तो तू कहना भी नहीं पहलो मेरे नाल लाओ तो फिर उहदे नाल लाओ, लिहाजा यह कोई तुक नहीं है। बाजियां लगन की हद तक शौक है सारे लाहौर नाल करीदा है, जिंदा दिल करे शौक करे, इंशाला कदी रौला नहीं पिया है ना कदी पेगा, अगर किसी की छत से रौला भी हो तो साडा मुनसब गया, तो बंदे मुतमिन होंगे ने यार इन्हों का मुनसब है, हुण कोई रौला नहीं है। इस तों अलावा गल आ जाती अगली लड़ाई वाली, यार जे लड़ना है तो ग्रुपां च इत्थे वीडियो लाने की कड़ी लोड़ है, जिंदा दिल करता कोई उन्हें स्नेहा थोड़े देईदा मैं तेरे घर लगाना मैं तेन पुछ लागा, और साडे पिंड एक बंदा ही उहदा कबूतर किसी ने फल लिया, तो उन्हें कबूतर मंगया उन्हें कबूतर ना दिता, वह भी पागल सी, अगले भी पागल सन, वह कारतूस कला लै गया ना तो उन्हें घर चला गया, उन्हें जा बूहा खड़काया तो उसकी वालदा बाहर निकलाई, उसकी वालदा ने कारतूस पाया, उन्हें हा पप्पे को बाहर कढ़ अज इन्हू मफैर मार देना, उसकी वालदा अंदर बेचारी शरीफ सी, अंदर जा वे पप्पिया बाहर ना जाइए कारतूस लैके आ गया। गल ये कि स्नेहा थोड़ी किसी को देने, जिन्हें लड़ना वो लड़ लवे,
शौक करना तो याद रहा जिथे थोड़ा दिल करे सदो यार फलानी थां ते आओ आओ बह के शौक करो लिहाजा ये नंबरदार साहब थोड़े नाल बाजी पिछले साल मुक गई खत्म हो गई गल हुण जिहड़ा गुस्सारे लाहौर नूं चैलेंज चाड़ दो हर बंदा चुके कहिंदा मैनूं कह दिता वह हाफज नईम साहब की मैनूं समझ नहीं आई कि हाफज साहब तुहानूं जिस बंदे ने फोन किया पहलो ये तो सुनो भी तुहानूं अगले उन्हें तो लाहौर नूं सिंपल चैलेंज किया दूसरे भी बंदे भी चैलेंज कर देना सिंपल चैलेंज करता हाफज साहब दस रहे ने जी हाफज तो खाब च आता तो डर ने हाफज साहब कितने खा जुमा जुमा अठ दिन तुहानूं होए ने यार शौक कर दें हाफज मानुला साहब ने माशाला फोन तो बैठा मेरा भरा वड्डियां वड्डियां गल्लां कर लैंदा है तो बाद च अहीं बराबर करन टुर पैंदे आ हैं वह भी सुनाण डे ही हो बदतमीजी ये कोई बदतमीजी नहीं तुसीं किहनूं कीड़े सुनाण डे हैं तो शाह जी मगरों कह दें हाँ हाँ ये बहुत बुरी बात शाह जी जिहड़ियां किसे ने कीतियां ने तुहाडे ही लाइव ते पए ने सारियां वीडियो तो कढ के वेखो भी तुसीं लोकां नाल की करदे रहे तुसीं सारे लाहौर नूं चैलेंज आ रहे हुण जिहड़ा तुहाडा कोई चैलेंज अक्सैप्ट करे ये भी गुनाह है तुहाडा चैलेंज ना अक्सैप्ट करे कमाल हो गई यार कोई गल रह गई करन वाली सारे मुल्क नूं चैलेंज कर दे जे मेरा सारे नूं चैलेंज जे कोई चैलेंज कबूल करे तो तुसीं नस जांदे जे कल भी तुसीं वीडियो च आख्या मेरे अगो टप के बशर तक आउणा है ते मैं जनाब तुहाडे पहलो तुहाडे नाल लाउणा ते बाद च बशर नाल लाउणा मेरे नाल बाजी लाओ सारी पार्टी ला लो ਜਦੋਂ ਬਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੱਪ ਕੇ ਪਰਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ 50,000 rupees ਦੇਣਾ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਤੇ 50,000 rupees ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨੀ ਮੰਗੀ ਤੁਸੀਂ 50,000 rupees ਸਾਡਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੀ ਮੰਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਵੀ ਲਾਓ ਅਸੀਂ 50 ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਅਸੀਂ ਹਰੇ ਸਾਹ ਅਸੀਂ 50,000 ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਖੁਆਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚਾਹ ਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਖੀ ਮੀਆਂ ਹਮਦ ਵਾਲੀ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਉਂਝ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਬਸ਼ਰ ਤੱਕ ਇਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਮੀਆਂ ਹਮ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਬਾਈ ਕਰੋ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਲੜਾਈ ਜੋਗੀਆਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਬੜੀਆਂ ਮਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੜ ਲੂ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਬਾਈ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਬੂਤਰ ਬਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਵੀ ਮੀਆਂ ਹਮਦ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਵਹਾਂ ਵੀ ਇੰਝ ਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੇ ਮੀਆਂ ਹਮਦ ਕਰ ਵੀ ਮੀਆਂ ਹਮਦ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਇੱਕ ਰੈਂਡਮ ਗੁਫਤਗੂ ਸੀ ਰੈਂਡਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਮ ਗੁਫਤਗੂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਵੇ 'ਚ ਗੁਫਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਐਨਕ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਡੇ ਲਾਈਟ 'ਚ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਐਨਕ ਲਾਉਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਸ਼ਗੁਆਰੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਫਾਜ਼ 'ਚ ਨਾ ਹੋ ਔਰ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਹੀਲੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਸ਼ੋਕ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਬਕਵਾਸ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਢਮਕਾਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਇਓ ਸੈਕਿੰਡ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮੁਨਸਬ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਖੰਭ ਪੁੱਟਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਹਮਦ ਪਰਿਆ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੱਜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਕਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਈਡ ਲਿਆ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਇਆ ਬਹਿ ਕੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹਵਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਹੀ ਮੁਨਸਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜਨਾਬ ਮੁਨਸਬ ਨੂੰ ਕੀ ਭੇਜਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ ਸ਼ੋਕ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਕ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਲਸਤੀਨ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ੇਬ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਰਹੀ ਮੁਨਸਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਨਸਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਨਸਫ ਪ੍ਰਾਪਰ ਹੀ ਭੇਜਾਂਗੇ ਔਰ ਭੇਜਣੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਭਿੱਜੇ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਤੇ ਨਾ ਨੀਵੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੱਜਣੇ ਨੇ ਸ਼ੋਕ ਕਰੋ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੋਕ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਸ਼ੋਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਆਪਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਰੋ ਸ਼ੋਕ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫਜ਼ ਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਣ ਆਖਿਆ ਜੀ ਭੱਜ ਗਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ ਜੇ ਤੇ ਹਾਫਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਭੱਜ ਕੌਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭੱਜੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ
महीना पहले मैं ते मेरा ख्याल है पांच छे बारी कह बैठा सा के बाजियां बहाल ही ने लंबरदार साहब ने आख्या नहीं जी अगर ओ बाजियां नहीं बराबर करदा ते मेरे को पैसे लै लो ते ओ पैसे ओनू दे दियो। फिर असी लंबरदार नाल होई के नहीं यार पैसे ही देने ने ते असी कोलो दे देने ते तू दिते या असी दिते गल एक ही है ते अमानुल्ला नूं सुनेहा दे दिता कि भाई तेरिया साडिया बाजियां उड़नगियां। फिर कोई महीना ठहर के ते अमानुल्ला दा आ गया नहीं जी जो लंबरदार ने फैसला कर दिता ते मैनूं वह मंजूर है। वह महीना ठहर के क्यों मंजूर हो गया तेनू तेनू नहीं सी पता कि तेरिया बाजियां जड़िया बहाल ने तेरिया बाजियां अज भी बहाल ने छे प्यारे ने तेरे नाल लगे दे ते जेठ दी बाजी तेरे नाल लगी दी दो छत्तां तो दे बहाल है दे उड़नियां ने जिहड़ी है ना बाजी कट्टो तो भी बहाल मेरे नाल भी उंजी लगी है बाजी आ दूसरा साडी हव साहब तुसीं अपनियां तां बाजियां जिहड़ियां कैंसल करतियां ते तुसीं दस्या वी फलाणा भज गया ढमकाणा जाए ते दोस्तां नूं तुसीं इह वी दसणा सी तुसीं मेरे नाल दो छत्तां तो बाजी लाई सी 10 लाख रुपए की एक दफा तुम सुनेहा भेजा भाजी भाजी कहने मेरी बाजी पार की हुई है वह भी हूं इस साल अपनी डबल उड़नी एक मेरी थोड़ी इस साल की लगी थे जी पिछले साल तुम अद्धी की हूं अद्धी नहीं उड़ी थी मेरी वह भी बाजी उड़नी है 5 लाख बाजी मेरी छत तो 5 लाख की बाजी हामद की छत तो यह भी ना लोगों को दसा करो कि यार असं फिर बाजी मोटी ला गए तो बाद च मिहनत करके बराबर कर लें ए किसी ने नहीं दसिया है। दोस्तों गुजारिश है कि यह शौक वास्ते किसी का पढ़िया लिखा होना लाजमी नहीं लेकिन यह साढ़े अख्तियार च है कि असी इनू जिन्ना मुमकिन हो सकता जिन्ना पॉसीबल है इनू पढ़े लिखे अंदाज से करिए। कबूतरबाजी है कबूतर परवरी है ये विच तुसी परसनल नहीं होना चाहिए सानू ना तुहानू ते ना सानू जो असी परसनल होवांगे तो फिर बहुत ज़्यादा ऑप्शन जिहड़े ना खुल सकते हैं जिवें कि मैं अपनी हद तक कह सकना कि यह शौक जिहड़ा मेरा तीसरे नंबर दे इस तो पहला मेरे दो होर भी शौक है ने ते आखिर परसनल चीज़ा हो जाए बाकी जी रही गल चेयरमैन साहब न गल लाते हो कि उन्हें डकिया या अही वाकई उन्होंने बहुत ज्यादा इज्जत करने साडे बाप की जगह पर ने वे भाई की जगह पर ने फकत सू इसलिए डकते हैं कि उन्होंने पता है कि बदमजगी बनेगी इस चीज़ से इस शौक से तो इस चीज़ में अवॉइड करने लिए होर कोई नहीं खानदानी हैसीयत की होंगी है कबूतर कि चंगे आ सारे पता है असं अपने अपलोड कर दे होंगे तुम अपने कर लो तो परसनल नहीं होना चाहिए बस कबूतर परवरी की हद तक रहना चाहिए। अगर कोई डंडी मारदा पाया किसी का माड़ा उड्डया उहदे ते डिस्कशन होनी चाहिए हैल्दी गुफ्तगू होनी चाहिए। दूसरा दोस्तों वाजे तौर पर आपको बताता चलूँ एक दफ़ा फिर जैसा कि पहले बताया गया ना हमारी नंबरदार के साथ पहले उड़ेगी ना आइंदा उड़ेगी बाकी हमें फ़ोन करके टाइम बताएं या हमारे पास आ जाएं बाकियों के साथ हम पर्चा लिखने को तैयार हैं जब इनका दिल करे हम शोक करेंगे नहीं नहीं असली मर्दी से करेंगे। गल सुनो ना नंबरदार अपनी पार्टी करे ना एक तो आज तो बाद फिर नंबरदार ने लाइव चला के साडे नाल कोई गल कीती ते सब तो पहले चेयरमैन साहब दी बाजी लगेगी दूजी मेरी लगेगी फिर भावे सारे ने ला जा असी लावांगे बाजी मेरे नाल भी कर देना मेरा भी एक मैसेज के मैं जिन्ने भी ताडे पार्टी दे दूसरे मेंबरान ने जिन्होंने मैनूं फोन कीता मैं उन्हां दे नाल शोक कीता मैं किसी ने नहीं कहा कि साडा शौक नहीं हुंदा क्योंकि नंबरदार ना शौक नहीं हुंदा भाजी की वजह तो भाजी कह नहीं है तुसी कहो से साडा तुहाडा भी शौक हुंदा हाँ जी असी तो रेडी हां जी कबूतर जे 10 बंदे ना उड़ते पहने यार में तुसी भी उड़ जाओगे तो की होगा शौक ही करना भावे कोई एक्स वाई जेड कोई दूसरी गल जी अहम गल मैं पहले भी कह के एक रैंडम गुफ्तगू हुई है असि जी कुछ किसी टारगेट नहीं किया गया कोई खिंच के अपने लै जाए तो मैं जिम्मेदार नहीं कोई बंदा कहे कि यार मेनू ही कही जा रहा मैं एक जनरल गुफ्तगू की यार बाबे नू बाकी किन्ने लोगों ने वीडियो लाई तुसी ते वीडियो भी नहीं लाई तुसी खिच के अपने लै गए 4-6 बंदे ने वीडियो ला के बाबे नू अपना जवाब दिता है ते ओ बंदे ने गल नहीं की तुसी खिच के अपने लै गए जी सानू इंज कहा ते इंज कहा एंदा मेरे को भाईजान कोई इलाज नहीं तुसी भावे जिहड़ी भी गल है अपने ते लई जाओ तुहाडा अपनी सुआबदी ते साडी सुआबदी नहीं है जी। दोस्तों यही हमारा मैसेज था
बाकी एक दफा फिर शोक को अच्छाई की तरफ लेके जाएं, बुराई की तरफ ना लेके जाएं। बाकी अल्लाह पाक हमें अच्छा करने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी गल आखिरी गल जरा मेरी भी सुन लो भाजी, असी सारे लाहौर दे विच लोकी हुण किसी नूं असी नहीं कहिंदे, लोकी इतराज़ करदे ने यार फलाने की छत इंज फलाने की इंज। मुबशर वाल मेरा 2 साल तो मुनसिफ जान डिया है, किसी बंदे ने इतराज़ तां नहीं कीता तुहाडे ते वी? 2 साल मैं मुनसिफी की थी मुबशर की, किसी बंद ने कोई इतराज़ नहीं किया। उस तो पहले जिन्हों के इतराज ने वह जानन तो दूसरे काम जान। अपना शहबाज मिंबर वाले मेरा मुनसिफ जाता है, यह 2 छत्त उड़िया ने तुहाड़िया साढ़े नाल, पुछ लो उन्हों का शौक बेहतरीन होया, कोई रौला पिया किसी किस्म का, कोई फैसला आया हो गल कोई बात। नंबरदार की छत 3 साल मैं मुनसिफी की, पिछला साल अद्धी मुनसिफी मैं की। कोई किसी किस्म का रौला पिया हो गलबात, शौक करो यार, एवं हीले बहाने तो फलाना नहीं करेगा तो मंगाना नहीं करेगा। नंबरदार नू ऑप्शन उन्हें दे थी बोधी ने, नंबरदार अगर कल आ कहिंदा जी नहीं मैं अगे हाँ तो पहलो पार्टी एक कार ना माड़ी जी सारे एक लाइन च लै, तो पहलो तेरी ते भाजी की बाजी लगेगी, तो मगरों जिंदे नाल तेरा जिंदे नाल तेरा दिल करेगा नंबरदार तेरा शौक ही करवा देंगे। कोई रौला नहीं है किसी किस्म का ही, तो यह एवं दाबे दुबे ना किसी को मारो, मोए दाबे इस दौर च सुनते हैं तो मोया ने सहने ने तो करने। अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਲਾਮ ਕਰਵਾ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਤਮਾਮ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ ਜੀ, ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ ਜੀ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ।